भारतीय मीडिया पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की खबर रखती है। कहां कौन आतंकवादी छुपा है, कहां उनकी ट्रेनिंग होती है, उनके ट्रेनिंग कैंपों में कितने आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं, सब खबर भारतीय मीडिया के पास रहती है। लेकिन मीडिया मोदी सरकार से बेरोजगारी पर या फिर किसानों को लेकर मीडिया के पास कोई मुद्दा नहीं होता है। मीडिया सब मोदी मोदी करते हैं, लेकिन उसी मोदी के विधायक और सांसद की मारपीट का वीडियो आज पूरा देश देख रहा है। बता दें, राष्ट्रवाद की ब्रांड एम्बेसडर और देश की एकमात्र संस्कारी पार्टी के दो जनप्रतिनिधियों द्वारा सार्वजनिक सभा में सुंदर सलोकों के साथ एक दूसरे नेता का मारपीट का मामला सामने आया है। गर्व करिए, ये संत कबीर नगर जिले में हमारे आपके जैसे मतदाताओं द्वारा चुने गए दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि है। बता दें कि 6 मार्च को ऐसे ही एक मीटिंग चल रही थी। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में सत्कर्ता प्रथी कोष्ठ की मीटिंग थी। बता दें कि मीटिंग में प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन के साथ सांसद, विधायक और जिले के अधिकारी मौजूद थे। जिले में हो रहे विकास कार्यों पर बात होनी थी, पर हो गई लात जूता, वो भी विधायक और सांसद के बीच। संत कबीर नगर जिले के प्रभारी मंत्री, शिक्षा मंत्री आशुतोष टंडन उर्फ गोपा के उपस्थित में सांसद शरद त्रिपाठी और मेहंदावल और के विधायक राकेश सिंह बघेल के बीच मारपीट हो गई। मारपीट उस समय हुई जब प्रभारी मंत्री के अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक चल रही थी। मारपीट के बाद डीएम रवीश गुप्ता और अन्य पुलिस अधिकारियों ने बीच बचाव कर मामला शांत कर दिया, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मारपीट के बाद बैठक स्थगित हो गई। वहीं समाजवाद पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में विश्व के सबसे अनुशासित राजनीतिक पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी के सांसद और विधायक जी के जूते का सादर आदान प्रदान हुआ। यह आगामी चुनाव में अपनी हार से आशंकित भाजपा की हताशा है। सच तो यह है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। वहीं ट्विटर यूजर्स ने इस घटना पर मजे लेते हुए इसे बीजेपी नेताओं की सर्जिकल स्ट्राइक करार दे दिया है। बता दें कि एक यूजर ने इसे बीजेपी के अभियान मेरा बूथ सबसे मजबूत से जोड़ते हुए तंज कसा। बीजेपी नेता गलती से इसे मेरा बूथ सबसे मजबूत समझ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।